का किसको अकेले रहने पे है मजबूर, आखिर अकेले रहने पे कैसे हुई मजबूर। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ सुनीता किसको, सच्ची स्टोरी सुनीता किसको की, एक बेबस मजबूर असहाय महिला की सच्ची कहानी। सनम को की जोहार, इंदो मिथिल कुमार मिथिल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को सगुंदरम मिला। गोड्डा जिले के परिहाट ब्लॉक में रहने वाली एक ऐसी अविवाहित महिला है जिनका नाम है सुनीता किसको। बस्ती टोला सिकितिया विलेज, परिहाट ब्लॉक के बस्ती टोला सिकितिया विलेज में रहती है सुनीता किसको, जो कि 45 वर्षीय एक अविवाहित महिला है। इनकी एक अलग ही कहानी है, बचपन से ही गरीबी में इनका जीवन व्यतीत हुआ। इनकी टोटल 4 बहनें हैं, 4 बहनों में 3 बहनों का विवाह हो चुका है, लेकिन सुनीता किसको अविवाहित ही है और इनका उम्र अब 45 वर्ष हो चुका है। देखने में बहुत ज़्यादा एज लगती है, इसका कारण गरीबी और असहाय और अकेलापन भी हो सकता है, जो कि हकीकत है। इनके साथ एक अजीब सी घटना हुई, जिस घटना के बाद ये अविवाहित रह गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनीता किसको की सच्ची अकेलापन वाला सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि ऐसी कई घटनाएं हमारे आसपास संथाल प्रगना और संथाल कम्युनिटी में ऐसे चीज़ें देखने को मिलते हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड, घर वंशज से रिलेटेड, और ऐसी घटनाओं को सच्ची रूपरेखा देने के लिए लोग मजबूर कर देते हैं, चाहे वो अपने परिवार ही क्यों ना हो या ग्राम पंचायत ही क्यों ना हो। तो कुछ चीज़ें असहाय और मजबूर करता है लोगों को, वो क्या है मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि सुनीता किसको के माता पिताजी का देहांत पहले ही हो गया था, वो स्वर्ग सिधार गए। फिर उनके माताजी का देहांत सन 2012 ईस्वी में हुआ। उसके बाद उनको कुछ रिचुअल्स होता है, जब भी होता है तो उसमें मुखाग्नि होती है या फिर विलेजर्स गाँव वाले को खिलाया जाता है। तो ग्राम पंचायत को लाया गया, बैठाया गया, बैठक में बोला गया विलेजर्स को खिलाने के लिए, लेकिन सुनीता किसको ये करने में असमर्थ रही। एक अकेली महिला उतना नहीं कर सकती और उन्होंने वैसा नहीं किया, किसी विलेजर्स को कुछ खिला नहीं पाई। पंचायत में अब डिसीजन हुआ जमीन जायदाद से रिलेटेड, सुनीता किसको का बड़े भाई है तो 5.5 एकड़ का जमीन इनके पिताजी के नाम पे थे, 5.5 एकड़ का जमीन, जिसमें से पंचायत ने इन्हें 0.6 एकड़ जमीन इनको देने का फैसला लिया और इनको 0.6 एकड़ दे दिया गया। लेकिन पंचायत ने एक और फैसला सुनाया कि क्योंकि अब पिताजी माताजी इनके नहीं रहे तो अब यही है जो अपने परिवार की कर्ता धरता है। हालांकि इनके बहनों का विवाह हो चुकी है और सभी अपने अपने घर पे हैं, सुनीता किसको अकेले ही अपने घर पे रहती है, एक अकेली महिला, अविवाहित महिला जो अकेले ही रहती है। बड़े मुसीबतों का सामना करके इनका जीवन यापन हो रहा आज के डेट में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इनको ये जिम्मेवारी दिया गया कि अब आपके बहनें अगर आती है, कोई भी पर्व त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो फेस्टिवल में जो रिचुअल्स होते हैं वो आपको ही करना है, उसका जिम्मेवारी सुनीता किसको को थोपा गया और ये सुनीता किसको उस जिम्मेवारी को निभा रही है। दोस्तों, तो बड़ा ही कठिन और असहाय महसूस करती है सुनीता किसको, अपने जीवन यापन करने में मजबूर है, अकेले जीवन यापन करने के लिए मजबूर है सुनीता किसको। एज में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब धीरे धीरे ये बूढ़ी होती जा रही है। हालांकि इनका एज 45 वर्ष है, बस दिखने में बहुत ज़्यादा बूढ़ी लगती है। तो ये कहानी है सुनीता किसको, जो कि गोड्डा जिले की रहने वाली है और असहाय मजबूर है। एक ऐसी संथाल व्यक्तित्व की कहानी आज मैं आपको बता रहा हूँ जो असहाय है अपने जीवन को अकेले व्यतीत करने में। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे कई ऐसे कहानियाँ हैं जहाँ पे आपको मजबूरी, असहायता और गरीबी का भाव और गरीबी के कारण जो मुसीबत झेलना पड़ता है वो दिखता है। आपके आसपास भी ऐसे कई व्यक्तित्व होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ऐसी कहानियों से हमें ये सीख मिलता है कि किस प्रकार से मनुष्य को जो जीवन मिला है उस जीवन को यापन करने में कई कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन कठिनाइयों का सामना करके भी जो जीवन को सही तरीके से जीते हैं वही असली सिकंदर कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ दोस्तों नए वीडियो में, आप सभी के पास कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। आज का कहानी था छोटा सा, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर देगा। नए वीडियो में फिर मिलता हूँ। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।